बोलते हैं सो आपस में बातें करते रहते हैं, दूसरे विचार सुनकर पढ़कर समझते हैं, ये इसलिए क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है, भाषा के रूप। तो भाषा दो प्रकार की होती है, भाषा कितनी प्रकार की होती है? दो।
कौन कौन सी? मौखिक और लिखित। मौखिक का मतलब क्या होता है? जब हम बोलकर अपनी बात कहते हैं या बात कहें तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जब हम बोलकर अपनी बात को कहें या कहते हैं तो वह भाषा मौखिक रूप कहलाता है। मौखिक रूप भाषा का दूसरा व्यक्ति भाषा को दूसरा व्यक्ति सुनकर समझता है उसे कथित भाषा भी कहते हैं। जैसे नेताजी द्वारा भाषण देना, रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, टेलीफोन और अलावा मौखिक रूप से इससे। अब ये तो है मौखिक रूप। मौखिक रूप का मतलब यही है कि हम बोलकर अपनी वह मौखिक रूप कहलाती है। दूसरा है लिखित। लिखित को क्या? वही है हम जो अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। अब मैं आपको बोल रही हूँ, ये क्या हो गया? मौखिक। आप ये बात सुनकर लिख रहे हो, ये क्या हो गया? लिखित। तो लिखित भाषा को दूसरा व्यक्ति पढ़कर समझता है। जैसे पुस्तकें, जैसे आप पढ़ रहे हो पुस्तक, पत्रिकाएं, पत्र पत्रिकाएं आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। अभी हमारे दैनिक जीवन में लिखित भाषा का विशेष महत्व है। इस भाषा के माध्यम से हम अपने विचार या विचारों को लिखित रूप से लिखकर लंबे समय तक रख सकते हैं। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, समझी भी जाती हैं। जैसे हिंदी है, हिंदी भी बोली जाती है, संस्कृत है, अंग्रेजी भी है, उर्दू भी है, पंजाबी है, गुजराती है, तमिल है आदि। ये हिंदी हमारी भाषा है। ये तो हमारे क्या है, देश में ये भाषाएं बोली जाती है, लेकिन कि हमारी भाषा हिंदी है। तो हिंदी को देखो, हिंदी भाषा को लिखने का ढंग या तरीका, भाई हिंदी भाषा को लिखने का ढंग या तरीका क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। क्वेश्चन बन गया, लिपि किसे कहते हैं? किस भाषा को लिखने का ढंग, भाषा को लिखने का ढंग और तरीका वह लिपि कहलाती है। हिंदी भाषा को जैसे ए आ ई तथा क ख ग घ इत्यादि वगैरह आदि सहायता से लिख, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, सबकी अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी देवनागरी है, अलग अलग भाषा की लिपि अलग अलग होती है। जैसे हिंदी की भाषा, हिंदी कौन सी भाषा में लिखी जाती है? देवनागरी में। पंजाबी गुरुमुखी में, उर्दू फारसी में, अंग्रेजी रोमन भाषा में। तो इनकी सभी की अलग अलग भाषा होती है। देखो ये है व्याकरण। वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने, लिखने के नियम को सिखाता है। वह व्याकरण का मतलब ये है, इनको शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना, इनके नियम को सिखाता है। प्रत्येक व्यक्ति भाषा का अपना व्याकरण होता है। भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिए व्याकरण ही पढ़ना अति आवश्यक है। तो देखो ये अपना चैप्टर था, भाषा। भाषा किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा है, भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा भाषा लिखने का तरीका और हिंदी जैसे ये है, प्रत्येक भाषा अपनी अपनी लिपि में होती है। कौन कौन सी लिपि में होती है? तो ये है देखो, इससे दो क्वेश्चन बताते हैं। पहला है, हम अपने मन के भावों दूसरों को समझाने, क्या है? हम अपने मन के भावों को दूसरों को समझाते हैं। किससे? भाषा द्वारा समझाते हैं। भाषा की कितने रूप होते हैं? दो। कितने होते हैं? दो। पहला मौखिक है, दूसरा है लिखित। अब है किसी भाषा को लिखने का ढंग व तरीका कहलाता है क्या? लिपि कहलाता है। मैंने अभी बताया था ना, क्या भाषा को लिखने का ढंग या तरीका लिपि कहलाता है। अब यह है अपनी जो मैंने बताया था ना भाषाओं की लिपियां, कि जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, उर्दू की फारसी है, पंजाबी गुरुमुखी है, अंग्रेजी की रोमन भाषा है। अब यह है अपने क्वेश्चन दिए हैं, तो ये आपको करना है। भाषा किसे कहते हैं ये मैंने बता दिया, दो बार बता चुकी हूँ। और दूसरा क्वेश्चन है, भाषा के कितने रूप होते हैं वो भी बता चुकी हूँ। लिपि किसे कहते हैं वो भी यहाँ बताया मैंने। और व्याकरण की आप क्या समझते हैं? तो बच्चों इनको अच्छी तरह से पढ़ना, और इस वीडियो से ज्यादा समझ में नहीं आएगा, आप यहाँ से आके बुक ले जाइए और बुक को खोल के पढ़ना, समझना, फिर वीडियो देखना, फिर इसी नोट भी उतारना, फिर आपके समझ में आएगा। तो बच्चों ओके, थैंक यू। Good morning, small kids. I am Mahan. Welcome back in our school and classroom. Today, we talk about
रिलेशन एंड रिलेटिव्स, आज हम बात करेंगे कि हमारे जो रिलेशन है वो किस चीज से है और हमारे जो रिलेटिव है रिश्तेदार जो है वो हमारे कौन कौन होते हैं। ये आपकी थर्ड क्लास की चैप्टर नंबर 1 में ईवीएस में अपना परिवेश एनवायरमेंट स्टडी गेटिंग स्मॉल किड्स। तो आप सब जानते हैं ये आपकी बुक का नाम है अपना परिवेश एनवायरमेंटल स्टडी क्लास 3 गेटिंग स्मॉल किड्स। तो इसी से हम अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो अपना है रिलेशन एंड रिलेटिव्स, रिश्ते और रिश्तेदार, यानी हमारे रिश्ते किस चीज से है और हमारे रिश्तेदार कौन कौन है। तो चलो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं अपनी शावर फैमिली। सबसे पहले हमारे जो रिलेटिव है हमारे जो रिश्तेदार है वो कौन होते हैं, आवर फैमिली। अपने परिवार की बात कर लेते हैं तो इसमें हम इसको फैमिली ट्री के माध्यम से फैमिली ट्री के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। किस तरीके से जैसे हमें ट्री बनाई और इस ट्री को नाम दिया हमने फैमिली ट्री। गेटिंग स्मॉल किड्स फैमिली ट्री, जैसे अब आप इस ट्री को किस प्रकार से किस तरीके से अपना फैमिली ट्री बना सकते हैं। आप सो आपका देखो ये इंजॉय एक इंजॉय का ब्रेक भी है। आप इसको अगर ध्यान से पढ़ते हो तो आप इसमें ड्राइंग भी कर सकते हो, इंजॉयमेंट भी कर सकते हो। जैसे हमारी जो फैमिली है अगर फैमिली सबसे पहले हमारे को और आपके फैमिली में जो सबसे बड़े होते हैं ग्रैंडफादर, तो आपको अपने एक दादाजी की पिक लेनी है, पासपोर्ट साइज छोटी फोटो उसको आपने यहाँ पर ग्रैंडफादर के जस्ट बाद हमने दिखा दी एक फोटो पेस्ट कर दी अपनी दादी की गेटिंग माध्यम से
चलिए अच्छे से दूसरों को समझा सकते हैं कि हमारे परिवार के जो सदस्य हैं वो कौन-कौन हैं और उनकी फोटो पेस्ट करके हम उनको दिखा भी सकते हैं कि हमारी फैमिली में ये है मेंबर्स रहते हैं. आई होप यू विल एंजॉय दिस क्लास. आवर चैप्टर नंबर रिलेशन एंड रिलेशनशिप जिसमें हमने बात की है और फैमिली की अपने परिवार की. We will see tomorrow with the new topic, new sentences, new ideas. Tab tak ke liye, thank you, take care, stay home and stay safe.
आपको एक्सरसाइज 1.1 और हमारा जो पेपर है वो ये है कि ये जो आपको हमने ये छोटे उदाहरण होते हैं और ये पद्धति के हिसाब से ये आप इनको जान लेंगे कि ए बन है यानी 1 प्लस इससे जो है अंदर के बराबर और इसको हम किस लेंगे नंबर इनवर्स यानी 100 समझ आ रही क्या आपके पास में 1 2 3 तो यहाँ जंगल हो गए ठीक हो गए तो और यहाँ पर भी जो भी है जो भी है आर बड़ी बी बंदर बंदर की है बी यू एन डी एल ई बंदर अब ये एक में कितना हो गया हंड्रेड तो तीन में क्या आएगा थ्री हंड्रेड तीन आएगा आपका थ्री आप ऐसे लिख सकते हो ये 1 × 3 इक्वल 300 तो यहाँ वन से लिखे तो ये 300 अब किसी यहाँ पे पास में 2 इसके बाद क्या है देखो इधर ये 1 और 2 बंडल आ रहे हैं तो इसमें ये समझा देता हूँ यहाँ बटनों की संख्या क्या रहेगी
ज्यादा ये रह पाएंगे पर इधर ये वन है एक है ना तो एक बंडल को तो हम बंडल लिखेंगे वन है बंडल लिखेंगे और वन बंडल में एक में कितना होती है तो वो होती है यानी एक बंडल में जीरो होती है हंड्रेड होती है तो यहाँ शब्दों में हम लिखेंगे ग्रामवासी बस में लिखेंगे वन हंड्रेड फिर इसके अंदर देखो वन टू कितने आ रहे थ्री बंडल आ रहे हैं और यहाँ थ्री बंडल करेंगे और थ्री बंडल में लिखे जा रहे हैं थ्री हंड्रेड को यानी एक बंडल में कितना होता है हंड्रेड तो थ्री भी क्या आएगा तो 300 हंड्रेड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 300 आ जाएगा और इनको 300 लिखते हैं ठीक है फाइव आपको समझ में आ रही होगी और तीन तरह आप यहाँ टू बंडल है टू बंडल एक टू बंडल ले रहे हैं तो हंड्रेड इंटू टू 200 और इसी तरह हम ये 1 2 3 4 ये आपको मैं करके इसकी तैयारी करना है और यहाँ पर आपको करना पड़ेगा ठीक है आपके समझ में आ गया बच्चों फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो वापिस से रिपीट कर देता हूँ कि एक बंडल में 100 स्टिक होती है यानी 100 लकड़ियां होती है 100 लकड़ियां को बांध करके हम एक बंडल लाते हैं उसमें 100 होती है और ये 100 यहाँ होती है और यहाँ पर हमने 100 दिया 100 आ गया 2 में 200 आ जाएगा 3 में 300 आ जाएगा और 4 में 400 आ जाएगा तो आप जिसके पास ये बुक्स नहीं है वो यहाँ विद्यालय में आकर संपर्क करें जिनकी सभी बुक्स है कोर्स करना और ये हम आज जो पहला चैप्टर बता रहे हैं वो कोर्स के द्वारा बता रहे हैं थैंक यू वेरी मच सर हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एआरएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है तो आज हम बात कर रहे थे कंप्यूटर के बारे में तो बेसिक इंफॉर्मेशन बताए थे मैंने इसके जो पार्ट्स बता दिए थे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं मेन पार्ट्स अदर पार्ट्स तो उसके बाद में आपको अलग अलग करना है उसके बाद में क्या करना है अलग अलग कि इसमें से आपको इनपुट किसे कहते हैं और आउटपुट किसे कहते हैं इनपुट इनपुट का मतलब होता है कि कंप्यूटर को डाटा प्रदान करना कंप्यूटर को डाटा प्रदान करना एक इनपुट कहलाता है उसके बाद में आता है आउटपुट तो आउटपुट किसे कहते हैं आउटपुट किसे कहते हैं जो कंप्यूटर के द्वारा आपको प्रदान की जाती है कंप्यूटर के द्वारा आपको सूचना प्रदान की जाती है आपको सूचना प्रदान की जाती है उसको क्या कहा जाता है आउटपुट कहा जाता है कि वो वापस आप तक सूचना है वो किस प्रकार से पहुंचाई जाएगी तो ये इनपुट और आउटपुट कहलाता है ठीक है अब इसके बाद में देखते हैं कि इनपुट कौन कौन से होते हैं आउटपुट कौन से होते हैं तो इनपुट आप किसके द्वारा करोगे कीबोर्ड के द्वारा किसके द्वारा करोगे कीबोर्ड के द्वारा आप इनपुट करवा सकते हो इनपुट किसे कहते हैं कि कंप्यूटर को डेटा प्रदान करना जैसे आप कोई 2+3 देते हो कंप्यूटर की स्क्रीन पर तो वो क्या हो गया 2+3 जो भी आपने कमांड दी है वो एक इनपुट डिवाइस या इनपुट कहलाता है और वो किस डिवाइस के द्वारा दिया जाता है वो डिवाइस डिवाइस का मतलब होता है उपकरण कि कौन से किस चीज माध्यम से आप सूचना को कंप्यूटर तक पहुंचा रहे हो कीबोर्ड के द्वारा पहुंचा सकते हो या फिर माउस के द्वारा आप पहुंचा सकते हो उसके बाद में आता है ना जॉयस्टिक जो गेम खेलते हो गेम खेलने के लिए काम में जाने वाला उपकरण है ना जॉयस्टिक उसको भी आप
इनपुट डिवाइस कह सकते हैं। उसके बाद में आता है अपना माइक, उसके बाद में आता है स्कैनर। इन सभी डिवाइसों के द्वारा आप डाटा को कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम कर सकते हो। इसके बाद में आते हैं आउटपुट डिवाइस, आउटपुट जिसके द्वारा आप सूचना को वापस आपको सूचना प्रदान की जाती है। इसके द्वारा कंप्यूटर के द्वारा, तो कंप्यूटर के द्वारा सबसे पहले सूचना कहाँ मिलेगी आपको? मॉनिटर की स्क्रीन पर। कहाँ मिलेगी? मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर आपको देखने को मिलता है, जिसे इसका रिजल्ट 3+2=5 ये आपको कहाँ मिलेगा? कंप्यूटर की या मॉनिटर की सॉरी स्क्रीन के ऊपर आपको मिलता है। उसके बाद में आप इसको प्रिंटर के द्वारा भी निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो? प्रिंटर के द्वारा भी प्रिंट निकाल सकते हो। उसके बाद में आता है आपका स्पीकर, स्पीकर के द्वारा आप उनकी आवाज को ऑडियो साउंड को सुन सकते हो। ऑडियो साउंड है उसको सुनने के लिए स्पीकर का यूज किया जाता है। इसके साथ हेडफोन, हेडफोन का भी यूज आप कर सकते हैं आवाज को सुनने के लिए। उसके बाद में आता है आपका फ्लोटर, उसके द्वारा भी आप आवाज सुन सकते हैं। तो आपकी क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में एक आता है बारकोड रीडर, ठीक है, ये आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइस हो जाती है। कौन सी डिवाइस इनपुट है, कौन सी आउटपुट है। उसके बाद में आती है प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी होती है? तो प्रोसेसिंग डिवाइस होती है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, उसको एक प्रोसेसिंग इकाई भी कहा जाता है। तो आज के लिए इतना काफी है, आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में अलग अलग बता दिया कि कौन सी डिवाइस इनपुट होती है, कौन सी आउटपुट होती है। तो आज के लिए इतना काफी। ओके, थैंक्स।